नहीं है। अमित की पाकिस्तान 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 ISI इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इंडियन आर्मी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पाकिस्तान हाय हाय पाकिस्तान हाय हाय ISI हाय 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 पाकिस्तान पाकिस्तान एक ही होया 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 पाकिस्तान 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 ISI ISI भारत माता की भारत माता की भारत माता की संजय रैना एडवोकेट प्रेसिडेंट पीपल फोरम पहुंच। आज ये जो VHP और बजरंग दल की तरफ से ये प्रोटेस्ट जो है पाकिस्तान और ISI के खिलाफ किया गया है, क्योंकि हमारे 5 जवान जो हैं डेरा गली में वो शहादत को प्राप्त हुए हैं। पाकिस्तान की ये कायराना हरकत, वो लगातार यहाँ पर अपने प्राक्सीज द्वारा मिलिटेंट भेजकर यहाँ पर जो है वो कत्लोगारत करवा रहे हैं, तो हम कड़ी निंदा करते हैं और भारतीय सेना को आह्वान करते हैं, भारतीय सरकार का आह्वान करते हैं, ये पाकिस्तान की इस नापाक हरकतों का जो है भरपूर जवाब दिया जाना चाहिए। उड़ी और बालाकोट जैसे एक सर्जिकल स्ट्राइक की ज़रूरत है। पूरी आवाम का इस वक्त देख रहे हैं आक्रोश है, गुस्सा है। हर इंसान जो इंसानी दिल रखता है, कल की घटना से हम दहल चुके हैं। कब तक हम सब्र रखेंगे, कब तक हम लोग ये सहते रहेंगे? तो मेरा ख्याल वो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े किए जाएं और POJK को यहाँ पर लाया जाए और साथ में अंदर यहाँ पर जो है ऑपरेशन सर्वविनाश जो 2003 में हुआ था वैसा ऑपरेशन रजौरी और पुंछ और तमाम इन जंगलों में करने की ज़रूरत है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरी भारतीय सरकार जो इस वक्त तक सोई हुई है उनका आह्वान करते हैं कि जल्द से जल्द एक सर्जिकल स्ट्राइक किया जाए ताकि इस नापाक मुल्क का नामो निशान जो सफाए हस्ती से इस नक्शे से हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए, क्योंकि जो 30 साल से इसने मिलिटेंसी यहाँ पर छेड़ रखी है उसको हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए। जय हिंद। पाकिस्तान के विरोध में है, पाकिस्तान ने हमारे जो 5 जवान जो हैं शहीद किए हैं, जिनका बड़ा बेरहमी से कत्ल किया, ये एक शर्मनाक है। और पाकिस्तान को इस प्रदर्शन के द्वारा हम यह चेतावनी देते हैं कि अगर भारतीय सेना अपने पे आ गई तो उसका नामोनिशान तक ख़त्म हो जाएगा। और हम लोग उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और पाकिस्तान को यहाँ पे पाकिस्तान के रूप में ये जो पुतला जलाया गया है ताकि पाकिस्तान को यह सबक मिल सके, अगर भारतीय सेना अपने पे आ गई तो उसका एक एक भारत का नागरिक उसके साथ शाना बिछाना चलेगा और उसका नामोनिशान मिटाने के लिए आतुर रहेगा। इन शब्दों के साथ कि पाकिस्तान अभी भी तू समझ जा तो तेरे लिए यही चेतावनी है, नहीं तो तेरा जो नामोनिशान पूरे विश्व के मानचित्र से गायब हो जाएगा। इन शब्दों के साथ मैं वापस अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। पाकिस्तान के खिलाफ पुंछ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने जो प्रदर्शन किया है तो क्या कहना चाहेंगे? जय हिंद जय भारत। जैसे कि आपने सुना है कि एक दिन पहले जो हमारा इंडियन आर्मी है डेरा गली में उस पर अटैक किया गया, अटैक भी नहीं कहूँगा मैं, कत्ल कहूँगा उनका, कत्ल किया गया उनका। वो हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं, ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा अपनी सेना के साथ है और हमेशा रहेगा। और ये पाकिस्तान को पहले भी हम बहुत बार वार्निंग दे चुके हैं, शायद वार्निंग देने का वक्त ख़त्म हो चुका है। क्लियर कट हम कहना चाहते हैं इंडियन आर्मी को, आप एक कदम बढ़ाओ, 10 कदम, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा आगे जाएगा और इस पाकिस्तान को इसकी औकात हम याद दिलाएंगे कि भाई ये बच्चे जो है ना ये ऐसे वैसे नहीं है, इनके पीछे इनके परिवार, हम बजरंग दल के विश्व हिंदू परिषद और देश का हर वो नागरिक जो हिंदुस्तान को प्यार करता है अपनी
इंडियन आर्मी को प्यार करता है, वो पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने के लिए खुद ही काबिल है। वो पाकिस्तान को ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पूंछ से चेतावनी है कि आइंदा से कोई ऐसा मसला हुआ तो हम पाकिस्तान के बॉर्डर क्रॉस करने की भी हिम्मत रखते हैं। हिंदुस्तान की आर्मी और हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो तो इनको जवाब देंगी देंगी, पर हिंदुस्तान का अगर नागरिक निकल गया तो पाकिस्तान तेरी खैर नहीं। जय हिंद, जय भारत।